बहुत सारे लोगों के ये इश्यूज होते हैं कि वो यूके वीज़े की एप्लीकेशन इसलिए नहीं कर सकते कि वो समझते हैं कि शायद इंग्लिश लैंग्वेज वो नहीं कर सकते तो यूके का वीज़ा नहीं ले सकते। सम टाइम वो कहते हैं कि इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो यूके का वीज़ा नहीं हो सकता, और सम टाइम उनका मसला ये होता है कि उनका स्पाउस जो ब्रिटिश स्पाउस है वो उनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा होता, या उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता, या उनकी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो ऐसी सूरत हाल में साल साल से आपके एप्लीकेशन पेंडिंग रहते हैं। आपने क्या करना है कि चूज द राइट एप्लीकेशन, चूज द बाय चूजिंग द राइट एप्लीकेशन यू मे बी एबल टू गेट एग्जम्पशन फ्रॉम योर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, यू मे बी एबल टू गेट एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग हेल्थ सरचार्जेस, हेल्थ सरचार्जेस से एग्जम्पशन, इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जम्पशन, और फिर आपको स्पाउस वीजे की जो स्पॉन्सरशिप से भी एग्जम्पशन मिल सकती है कि जब आप राइट एप्लीकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्रिटिश चाइल्ड, ऑन द बेसिस एज ए पेरेंट्स ऑफ योर ब्रिटिश चाइल्ड। सो पेरेंट्स वीजा इज मच ईजियर देन स्पाउस वीजा। सो लोग समझ भी नहीं सकते कि ये कितना आसान वीजा है, तो इसलिए ऑलवेज ऑलवेज आई एडवाइस टू माई क्लाइंट्स अप्लाई एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड। आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं या आपके बच्चे जो यूके में रह रहे हैं आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, आइदर वे यू विल बी सक्सेसफुल इन योर यूके वीजा एप्लीकेशन इफ यू फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ नॉट ओनली इमिग्रेशन लॉ, ह्यूमन राइट्स सेक्शन 55 ऑफ बॉर्डर्स एक्ट, बट ऑल्सो आपको स्पेसिफिक जो उसमें ड्राफ्ट चाहिए होते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट और लीगल ग्राउंड्स। जब आप ये तीन डॉक्यूमेंट्स अपने बनाते हैं तो इन तीन डॉक्यूमेंट्स तीन थ्री सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद देर आर प्रीटी मच चांसेस यू गेट द रिजल्ट ऑफ योर यूके वीजा एप्लीकेशन एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आपको कौन सा एप्लीकेशन चूज करना है, और एप्लीकेशंस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सम टाइम उसमें ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट होता है, सम टाइम आप उसको एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन करते हैं, सम टाइम आप राइट ऑफ अबॉर्ड की एप्लीकेशन करते हैं जहां पर आपका ऑटोमेटिक राइट बनता है कि आप यूके के अंदर आकर उसको स्टे करें। सो गेट द राइट एडवाइस फ्रॉम एनी प्रोफेशनल पर्सन और फ्रॉम एनी लॉयर। इफ यू वॉन्ट टू बुक एनी फ्री कंसल्टेशन विद मी, आई हैव लेफ्ट माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर फॉर दोज पीपल हु आर रियली सीरियस एंड दे नीड प्रोफेशनल एडवाइस टू अप्लाई फॉर यू के वीसा। सो अनदर थिंग इज देर माइट बी सम चेंजेस इन फ्यूचर, और जिसमें फैमिली वीजाज के एप्लीकेशन को बहुत सारे उसमें चेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। सो दिस इज द राइट टाइम टू सबमिट योर एप्लीकेशन and you should take your steps now. Nobody else is going to push you for your application, so you have to make some certain decisions if you want to apply for your UK spouse, not UK spouse visa, your family visa application, and as a parents of British child, get advice for free from any of your professional lawyer.